एक और 171 के तहत कुल मजालिस बलूचिस्तान असेंबली की तश्कील की बाबत तारीख पेश करे। तारीख पेश करता हूँ कि कवायद इंजबातकार बलूचिस्तान सूबाई असेंबली मुजरिया 1974 के कवायद नंबर 128, 131, 1 और 171 के तहत ऐवान में पेश शुदा फहरिस्त के मुताबिक तजवीज़ करदा अराकीन असेंबली पर मुश्तमिल कुल मजलिस बलूचिस्तान सूबाई असेंबली की तश्कील की मंजूरी दी जाए। तहरीक पेश हुई, क्या तहरीक मंजूर की जाए? मैं कानून और पार्लियामानी उमूर की जानिब से तहरीक पेश करता हूँ। हेलो, अपना मेरे भाई, आप जरा मुझे पढ़ने थे, उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाए। आप तो मुझसे पहले आगे जा रहे हैं, आप तशरीफ रखें प्लीज। हाउस ऑफ अपोजिशन लीडर की अंडरस्टैंडिंग थी कि कमेटी बनाने से हमें हमारे साथ मशवरा करके तब लिस्ट बनाएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अपोजिशन लीडर्स के पास हमें एक दो दफ़ा रहमत साहब गया, लेकिन उसने हमसे कोई मशवरा नहीं की और ये लिस्ट बनाया। अगर आप समझते हैं कि हमें अपोजिशन ट्रीट करना है तो फिर इसमें भी हमें पार्टिसिपेट करनी है। तो मैं अपोजिशन लीडर से यही गुजारिश करता हूं कि आपने कहा था कि हम मशवरा करेंगे, आपने मशवरा नहीं किया, अभी आप पे डिपेंड करता है। आप कहते हैं कि यस करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है सर, जो भी वो हुक्म दे। डॉक्टर साहब, एड्रेस एड्रेस शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल सही है। आप तक कल मैंने पूरा दिन रहमत साहब को, अभी मैंने अपना फ़ोन भी दिखा दिया और रिकॉर्ड भी दिखा दिया कि हमने पूरा दिन उसको फोन किया, लेकिन अभी जहरी साहब हमने नहीं बनाया। जहरी साहब बनाने के लिए हम आपसे बैठ के मशवरा। जहरी साहब मेहरबानी करके चेयर को एड्रेस करें, आप उधर क्यों कर रहे हैं, इधर करें, आप इधर एड्रेस करें, उधर बरहरास मेंबर के साथ क्यों बरहरास होते हैं? आज आप हमें डांट रहे हो, पता नहीं क्या कोई है मसला। अब से कि आप मेंबर को बरहरास एड्रेस ना करें, चेयर को करें, जो भी कहना है आप कहें। हम डॉक्टर साहब को एतमाद में, मैं यही कह रहा हूं, डॉक्टर साहब को एतमाद में लेंगे, हम बैठेंगे अपना मसला। खुश रहे हो यार, कमेटी आप बने। आज हमने कमेटियों की अप्रूवल लेनी है, उसके बाद फिर इसको एंडवर कर सकते हैं। हमें कोई जल्दी कमेटियां दो चार दिनों में बन जाएंगे, हफ्ते में बन जाएंगे। मेरा सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसमें मुदाखलत कर दे, कमेटी के हवाले कर दे, कमेटी में साफ सुथरा तरीके से होगा तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई भी बिल आ जाता है, अगर कमेटी इसको देख लेगा और उसको परखेगा तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, भले और इंसाफ तरीके से होगा। और मेरे कायदे ऐवान से भी यही गुजारिश है कि वो इस पर बात कर ले और उसको कमेटी के हवाले कर दे। एक तो मेरे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि क्योंकि दिस इज प्रपोज्ड तो इसमें चेंजेस हो सकती हैं, वो विद इन कमेटीज कर लेंगे, तो इसको आप रोके नहीं प्लीज। थैंक यू। और हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं, हमारे पास मेंबर्स की शायद तादाद ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हाउस का सेंस भी ये कह रहा है और रूल्स और बिजनेस भी यही कह रहे हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन हो तो वो अगर कमेटीज में जाएगा तो और रिफॉर्म होके आएगा, तो दोबारा इस हाउस में आना है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको कमेटी में भेजते हैं और कमेटीज हमारी आज फॉर्म हो रही हैं, आपके नॉलेज में है, तो विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक हम सेशन बुला के, तो विद इन अ वीक इसको इंशाल्लाह ताला अप्रूव कर लेंगे।